स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासी मोटर्स में। तो आज हमारे सामने ह्यूंडई की क्रेटा। तो भाई देखो, अब 2024 की फेसलिफ्ट वेरिएंट आने वाली है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे जल्दी मिलेगी। लेकिन उसके पहले ये वाला वेरिएंट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ह्यूंडई का लोगो मिल जाता है, बिल्कुल डार्क एडिशन के, मतलब डार्क कलर के अंदर। तो भाई देख सकते हो क्या ही तगड़ी चीज बना दी है। डीआरआर लाइट्स मिल जाती है एलईडी के अंदर, प्रोजेक्टर हेडलाइट एलईडी के अंदर, और फॉग लाइट भी एलईडी के अंदर देखने को मिलने वाली है ये वाले वेरियंट के अंदर। और एलो व्हील्स की लुक तो भाई बहुत ही तगड़ी बनाई गई है। यहाँ से साइड में से आप देख सकते हो क्या ही लुक मिलने वाली है आपको ये वाले वेरिएंट की। और यहाँ पे शर्मा और हम भी शर्मा भाई, यहाँ पे टायर्स ऐसे 215/60 17 इंच के आपको एलो व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। और क्या ही तगड़ी लुक आ रही है भाई ये वाले एलो व्हील्स की। और जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लुक में तो अच्छी है, फेसलिफ्ट तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ, तो बने रहिएगा चैनल पे। बिल्कुल आपको जल्द ही मिलेगी, जब ही लॉन्च होके शोरूम पे आएगी तब जाके, ठीक है। तो बाकी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी साइड में आपको यहाँ पे ओआरएम के अंदर इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिलने वाले है। और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही तगड़ा लगता है भाई। और जो एलॉय व्हील्स की लुक जो आती है निखर के, वो बहुत ही बेहतरीन लगती है। अब न्यू वेरिएंट और ओल्ड वेरिएंट आपको कैसा लगता है वो जरूर बता देना, क्योंकि अभी इसकी इमेज तो लीक हो चुकी है। टेलर की डिजाइन कुछ इस तरह की मिलने वाली है, एलईडी टेलर आपको देखने को मिलती है, वो भी कनेक्टेड के अंदर। पीछे की ओर रियर वाइपर वगैरह देखने को मिल जाता है आपको, और शार्क फिन एंटीना मिलेगा। और बूट स्पेस की बात करें तो भाई 433 लीटर की बूट स्पेस आपको देखने को मिलने वाली है, और 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। बाकी पीछे भी यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, आपको कंपनी फिटेड सनशेड देखने को मिलने वाले हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। पहले मैं आपको इंजन वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलने वाला है, 1457 cc का इंजन है, 113.18 bhp पावर और 143.8 Nm टॉर्क देखने को मिलने वाली है। इंजन आपको 4 सिलेंडर वाला देखने को मिलने वाला है। और कंपनी इसकी माइलेज भाई 17 की क्लेम करती है, तो वो तो जो ड्राइवर होते हैं उनपे ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी भाई कमेंट में बता देना आपको कौन सी कार की रिव्यू चाहिए, और जो भी हो कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है। चलो इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले साइड में यहाँ पे आपको सारे के सारे पावर विंडोज के ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, और सामान रख सकते हो। बाकी भाई इंटीरियर क्या ही तगड़ा लग रहा है। तो सबसे पहले दरवाजा को बंद करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो भाई हुंडई का बहुत ही तगड़ा वाला लोगो मिल जाता है। क्लच एडिशन कुछ इस तरह की है भाई, बैटरी इसकी ड्रेन हो चुकी है, तो माफी चाहूंगा, बूट स्पेस नहीं खुल पाई और इसके अंदर भी आपको क्लस्टर नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन भाई फिर भी गाड़ी का इंटीरियर तो देख सकते हो आप, और डिटेल वीडियो मतलब न्यू मॉडल आने वाला है इसका बिल्कुल 2024 का, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी मिलने वाली है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके रखना। बाकी यहाँ पे मोड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ओके वगैरह, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और इतनी बड़ी वाली डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसे देखने को मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, यूएसबी पोर्ट दो दो मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, और डैशबोर्ड की डिजाइन भी काफी तगड़ी बनाई है। ग्लव बॉक्स भी कुछ इस तरह का आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाती है, तो यहाँ पे 6 स्पीड गियर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का बहुत ही बड़ा वाला अमरीस देखने को मिल जाएगा, 2 कपड़े मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, मिरर वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे भाई पैनारोमिक सनरूफ है, लेकिन बैटरी ड्रेन हो चुकी है तो इतनी ही खुलने वाली है भाई, इससे ज्यादा बंद खुल नहीं सकते हम, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। 10.25 इंच की डिस्प्ले मिलती है भाई, इतनी बड़ी वाली डिस्प्ले तो और क्या ही चाहिए हमें गाड़ी के अंदर भाई। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो ऑब्वियसली मिलने ही वाला है, क्योंकि एक प्रीमियम गाड़ी है भाई, और सबसे ज्यादा इसके अंदर मजा आता है स्टीयरिंग वगैरह में। और बहुत सारे क्रेटा लवर्स हो गए, तो कौन कौन है वो जरूर बताना, और अपने क्रेटा लवर दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कॉमेंट में बताना कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए और ओनरशिप रिव्यू चाहिए। प्लीज भाई अगर देख रहे हो तो कॉमेंट जरूर कर देना, कॉमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना, तो ही भाई हमें और नई वीडियो बनाने में मजा आता है। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कॉमेंट में जरूर दे देना, बिल्कुल हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे उसके अंदर। तो चलो पीछे जाके दिखा देता हूँ, बाकी पैनोरामिक सनरूफ मैंने आपको बता दिया, लेकिन बैटरी ड्रेन है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरह का आपको IRVM भी देखने को मिल जाता है। तो पीछे की ओर जाके देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल जाती है। तो पीछे की ओर भी यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह मिल जाता है, बॉटल वगैरह की स्पेस मिल जाती है,
बाकी एडजस्टेबल हेडर्स भी देखने को मिल जाते हैं आपको। तो लेग स्पेस की बात करें भाई, लेग स्पेस तो तगड़ी है इसके अंदर, और पीछे का व्यू भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, और पैनोरामिक सनरूफ भी और क्या ही चाहिए गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे पीछे की ओर आपको बिल्कुल सनसेट देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल आप धूप से बच के गाड़ी में जा सकते हो। यहाँ पे आपको दो दो कंफर्टर देखने को मिल जाते हैं, तो काफी बड़ा आपको आमरेस भी मिलता है, इस तरह भी वही सारी चीजें मिलती है। और यहाँ हैंडल के नीचे आपको लाइट मिल जाती है, स्पीकर वगैरह मिल जाएगा, उस तरह भी सनसेट मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, और भाई बड़ी चीजें यहाँ पे कुशन वगैरह भी दिए गए अलग से, तो बिल्कुल कंफर्ट आपको रहेगा भाई ट्रैवलिंग के अंदर। तो बूट स्पेस भाई देखो वहां पे नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ पे आपको 65 वगैरह मिल जाती है, और फिर भी इसकी बूट स्पेस है भाई 511 लीटर की। तो बाहर जाके मैं अब आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह बता देता हूँ, बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। यहाँ पे एसी यूनिट्स मिल जाते हैं दो दो, और यूएसबी पोर्ट और फोन रखने की जगह भी मिल जाती है, और स्पेस तो मैंने आपको बोल ही दी कि कितनी सारी मिलती है इस गाड़ी के अंदर। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर वगैरह मिल जाते हैं आपको क्रेटा एसएक्स वेरिएंट का। तो भाई देखो ये फेसलिफ्ट वेरिएंट नहीं है, जल्दी ही मिलने वाले फेसलिफ्ट वेरिएंट भी आपको, लेकिन ये वाले वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 14.81 लाख रुपीस। बाकी फेसलिफ्ट का वेरिएंट आते मैं आपको दिखा दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और जय श्री राम।